नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली के जागीरपुरी में बढ़ते अपराध को कम करने के लिए स्थानीय लोगों का पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। स्नैचिंग, लूटपाट, चोरी, बढ़ता नशे का कारोबार के खिलाफ स्थानीय लोगों में रोष, किया जागीरपुरी थाने का घेराव। पिछले कई महीनों में बढ़ी है आपराधिक वारदातें। पुलिस को कई बार शिकायतें करने के बाद भी नहीं हुआ समाधान। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के थाना जागीरपुरी इलाके में पिछले कई महीनों से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। इसके चलते जागीरपुरी के स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। स्नैचिंग, लूटपाट, चोरी, बढ़ते नशे के कारोबार से लोग परेशान थे और पुलिस के खिलाफ स्थानीय लोगों में कहीं ना कहीं गुस्सा भी था। आज जागीरपुरी के स्थानीय लोगों ने थाना जागीरपुरी के खिलाफ तिरंगा यात्रा व थाने का घेराव किया और इसके साथ ही जागीरपुरी थाने के अध्यक्ष को ज्ञापन भी सौंपा और स्थानीय लोगों ने एक माह का समय भी दिया। कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, जागीरपुरी में अगर अपराध कम नहीं हुआ तो एक महीने बाद हम जागीरपुरी थाने के बाहर अनशन पर बैठेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जागीरपुरी में बढ़ते अपराधों के खिलाफ दिल्ली पुलिस क्या कार्रवाई करती है और जागीरपुरी के स्थानीय लोगों में जो पुलिस को लेकर जो नाराजगी है उसको कब तक दूर करती है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी कि जागीरपुरी के स्थानीय लोग पुलिस से नाराज ही पहले भी इस तरह के आयोजन होते रहे हैं। न्यूज 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। क्या जो आपने प्रोटेस्ट किया है पुलिस के खिलाफ, क्या है पूरा? सिर्फ पुलिस के खिलाफ नहीं जबकि प्रशासन के खिलाफ है पूरा प्रोटेस्ट। आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ चुकी है, खुलेआम सट्टा चलता है, समय खुलेआम बिकी जा रही है। आप किसी भी गली में जाके जो भी ऑटो खाली खड़ा हो आप किसी भी अंधेरे कोने में देख सकते हो, खुलेआम लोग स्मैक पीते हैं, जिसको हम कई बार शिकायत कर चुके हैं पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर पब्लिक, पुलिस के द्वारा बोला जाता है कि पब्लिक उनको पकड़ के लाए, हम कितनी बार पकड़ के देंगे? ऐसे तो कल को स्मैक पीने के बाद हमारे घर पर आके हमारे साथ हाथापाई करते हैं। ऐसी कई घटनाएँ हो चुकी हैं, मेरे साथ मेरी चैन तोड़ ली गई ऐसे 10 दिन पहले। मार्केट में आए दिन ताले टूटते रहते हैं, चोरी की समस्या होती रहती है, खुलेआम चाकू दिखा के दुकानदारों के पैसे लूट लिए जाते हैं। अगर हम जनता किसी को पकड़ के भी देती है तो हद मार के 1 से 1.5 घंटे के अंदर वो व्यक्ति बाहर आ जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। दूर दूर तक पुलिस के पास स्टाफ नहीं होता। आप छोटा सा अपना एक मकान बनाओ या बोरिंग कराओ तो पुलिस को पता नहीं कहां से खबर मिल जाती है, तुरंत 2 मिनट के अंदर आ जाती है। पर अगर कहीं चक्कू चल जाए, छुरी चल जाए, उगाही हो रही हो, कोई भी बदमाशी दिखा रहा हो तो कोई यहाँ पे आके सुनवाई नहीं करता, कोई सुनवाई नहीं है किसी। SHO साहब, मुझे लगता है कि शायद इस भीड़ को देख के थोड़ा सा बौखला गए हैं, तो उनका थोड़ा रवैया मुझे लगा नहीं कि कुछ कार्रवाई करने की उनकी इच्छा है। वो तो चाहते हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाए और वो यहाँ से चले जाए। नहीं, 1 महीने का समय हम दे रहे हैं, अगर 1 महीने में हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो हम इस पे अनशन पे बैठेंगे शांत, और जितना हमसे हो सकेगा हम इस लड़ाई को आगे तक लेके जाएंगे। देखिए, पिछले कुछ महीनों से जहांगीरपुरी की जनता अपराध को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, जिसके लेकर सबने आक्रोश मार्च एक शांतिपूर्ण तरीके से निकाला है। जहांगीरपुरी तिरंगा चौक से लेकर थाने तक सभी लोग आए हैं और नम्रतापूर्वक सभी ने दिल्ली पुलिस को इन समस्याओं से अवगत कराते हुए अपनी समस्याओं को उनको बताया और एक ज्ञापन सौंपा है। SHO साहब से हमारी बात हुई है, हमने ज्ञापन पत्र सारी जनता के सामने SHO साहब को पढ़कर सुनाया। जो भी हमारी बुनियादी समस्याएं थी, नशे को लेकर, छीना चपटी, चोरी, लूटपाट, शटर तोड़ना, उन सभी को हमने अपने ज्ञापन में लिखा और उन्होंने स्वीकार करते हुए 1 महीने में हमें कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मुझे लगता है पहले के मुकाबले तकरीबन 50% अपराध अब 2 गुना हो चुका है, 3 गुना 4 गुना हो चुका है, इसके अपराध बढ़ चुका है। हमने कार्रवाई की मांग की है, जितने नशे के अड्डे हैं, जितने जहाँ जहाँ छोटे छोटे चोरों के गुट हैं, जहाँ ये नशा करते हैं उसके बाद अपराध फैलाते हैं, उन सब पे कार्रवाई हो, यही सारी चीज़ें, यही हमारी मांगे थी सारी। आज हम लोग ये एक प्रमाण पत्र मांगों सामने आए हैं,